इनिशियली देखा गया था कि बच्चे काफी कम इन्फेक्टेड थे इसमें, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें कोताही कहाँ हो रही है। हमने देखा है कि ये बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ बच्चों से घुलमिल जाते हैं और उन बच्चों से घुलमिल जाते हैं जिन्हें बुखार होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन लेकर घर में आते हैं। जो ही ये घर में आते हैं तो अपने माँ बाप से मिलते हैं, अपने गार्डियन से मिलते हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं उनके पास जाते हैं, तो ये बच्चा एक सोर्स बन जाता है इन्फेक्शन के लिए पूरे घर के। अगर बच्चे खेल कूद कर घर वापस आते हैं तो सबसे पहले आपको इनको वॉशरूम में लेना है, इनके हाथ साबुन से कम 2 मिनट के लिए आपको धोने हैं। अगर कभी इन बच्चों में फीवर हो, जुकाम हो, रनिंग नोज हो, तो नियरेस्ट जो डॉक्टर है उनके साथ आपको रब्ता कायम करना है। पहले टेलीफोन पर ही बात हो उनके साथ। इन केस अगर आपको लगे कि बच्चे आपका फीवर नहीं उतर रहा है, रनिंग नोज में फ़र्क नहीं आ रही है, तब आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में बच्चे को ले सकते हैं। कोशिश करनी है कि बच्चे को हॉस्पिटल से दूर ही रखना है। और जिन भी बच्चों ने यहाँ सर्जरी जो इलेक्टिव डेट्स लिए हुए थे, उन सर्जरीज की कोई इमरजेंसी नहीं है। जो ही हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद ये बच्चे फिर आ सकते हैं हमारे ओपीडी में और एक फ्रेश डेट ले सकते हैं सर्जरीज के।